और इन बच्चों को पहले स्टॉप करवा देते हैं, दूसरा फिर इनसे एक वर्ड लिखवाते हैं बस एक, कि ए लिखना बेटा और इधर से ये मैंने डॉट डाला इधर से लिखना, ठीक है एक वर्ड बस वो ए लिखेगा इधर से। बेटा ये चार लाइनें मैंने और लगाई हैं, इधर से ही शुरू करो, इसके नीचे नीचे लिखो। अब ये बच्चा शुरू करता था इधर से, किधर से करता था से। ये उसके जो कॉग्निटिव डोमेन थी उस आर्डर देती थी साइकोमोटर डोमेन को, यानी उसका दिमाग उसके हाथों को हुक्म देता था, ऑर्डर देता था कि तुमने राइट से लिखना है। हमने ब्रेक लगा दी कि लिखना ही नहीं, दिमाग कह रहा है उसे कि राइट से ही लिखो, टीचर कह रही है लिखना ही नहीं, ठीक है। अब हमने वो ब्रेक सिग्नल तोड़े उसके माइंड के, तो उसका दिल दिमाग कह रहा है बेटा राइट से, क्योंकि उसे आदत पड़ी हुई है। अब कहते हैं बेटा लिखना ही नहीं, ठीक है। वो बाकियों को देखता है कि लिख रहे हैं, मुझे रोक दिया गया है। जब उसे हम कुछ देर के लिए रोकते हैं तो उसके सिग्नल ऑफ होना शुरू हो जाते हैं, तो उसका माइंड आर्डर कह रहा है ना राइट से लिखो, उसे कहता है लिखना ही नहीं, बेटा पेंसिल बंद कर दो बैग में रख दो। फिर कुछ देर बाद उसे कहते हैं कि आप निकालो वो, ठीक है आपने जहां मैंने डॉट लगाया हुआ है वहां ए लिखो, एक लफ्ज बस ज्यादा नहीं, ज्यादा लिखना है वो फिर सिग्नल मिल जाएंगे, फिर अगली लाइन इधर से शुरू कर लेगा, ठीक है। उसका पहला लफ्ज जो है वो हमने ब्रेक करना होता है। अब कुछ देर बाद कुछ प्रैक्टिस के बाद उसका जो साइको मोटर डोमेन है उसे कहता है कि आपने ए लेफ्ट साइड से लिखना है। इसके बाद फिर हम उसे कहते हैं चार पांच हो गया, अब आप ये बी और सी इधर लिखेंगे। ये हैबिट जो है वो उसके वो दूसरे आर्डर को तोड़ देता है।